एक्चुअली हम लोग हमेशा ब्रांड्स के लिए परफॉर्म किए हैं या स्टेज शोज के लिए, बट ये एक अलग है बिकॉज इसमें बहुत इमोशंस भी अटैच्ड है. हमारे फैंस जो हमें वीडियोस में देखते हैं, आज वो यहाँ पर आए हैं हमें लाइव देखने के लिए, और काफ़ी दिनों से इसके लिए प्रैक्टिस चल रही है, तो एक इमोशनल कनेक्शन भी है इस परफॉर्मेंस से. सारे क्रिएटर्स लोग के लिए एक शो है जो बहुत ही घर वाला फीलिंग है, और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे. काफ़ी टाइम से हम ऐसा कुछ के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि पहले जब म्यूजिकली था तभी MNGs मीट एंड ग्रीट्स बहुत होती थी, और अब उसके बाद ये वाला जो हुआ है वो बहुत ही बहुत अच्छी फीलिंग है और अच्छे वाइब्स है. एक्चुअली बताना नहीं चाहते हैं, चलो ये वैसे भी आई थिंक बाद में आने वाला है. सो हम बेसिकली फ्यूजन कर रहे हैं, मतलब रीजनल एक्ट कर रहे हैं, जैसे हर इंडिया के फ्लेवर्स दिखा रहे हैं, मराठी पंजाबी फॉर आवर फैम, साउथ इंडियन पूरे बट नॉट मतलब एकदम वो प्रॉपर वाले नहीं, बट एकदम तड़का वाले जो एकदम ऑथेंटिक जा रहे हैं, और आप देखना, आप देख लो आपको समझ में आ जाएगा. नहीं नहीं, आज मैंने छुट्टी लिया है, आज मैं सिर्फ परफॉर्म करूँगा जो मैं एक्चुअल में करता हूँ. सो मैं सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करने वाला हूँ, और मैं शायद टीच भी करूँगा डांस मेरे फैंस लोग को ऊपर स्टेज पे जाके. बहुत कुछ आने वाला है, कुछ बड़ा आने वाला है. एक चीज़ है जो हमको बताना है कि एक म्यूज़िक वीडियो है जो हम फीचर कर तो रहे, पर उसमें हमने डायरेक्ट भी किया है. सो स्टोरी लाइन डायरेक्शन हम दोनों कर चुके हैं, अब देखते हैं उसका कैसा लुक आएगा. सलमान सर को कब डांस कराने वाले आप अपने सॉन्ग में? आप कभी शाह को आप डांस करवाते, तीनों खान को कब आप डांस करवाएंगे? इंशाल्लाह अगर ऊपर वाला चाहेगा तो हम बहुत. कौन सा गाने में आप डांस करवाएंगे कुछ बता दीजिए सलमान सर को. फिनाले आ रहा है बिग बॉस का, तो सलमान सर के लिए क्या आप सबको नचाते हैं बताइए आप. सलमान के तो उनके ही गाने इतने होते हैं, उनके गाने इतने वो उनपे बेस्ट सूट करते हैं, तो और कुछ नहीं, वो दबंग दबंग है ना. आई थिंक हाँ, उनको सिखाने की भी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, वो खुद ही एक वो मेरे ख्याल से तो कोरियोग्राफर का काम सबसे इजी कर देते हैं, क्योंकि वो ही सिग्नेचर निकाल देते हैं एक 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 से एक. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं आज स्पेशली यहाँ पे आया हूँ गाना गाने के लिए, एंड स्पेशली कुछ प्रमोट करने के लिए भी. टिकटॉक के गाने भी गा रहा हूँ आज मैं स्पेशली, तो रुला के गया इज द सॉन्ग विच आई एम गोना सिंग फॉर ऑल ऑफ देम. एंड इट्स अ बिग नाइट, सारा बॉम्बे आ गया है मुझे लग रहा है, यहाँ पे बॉम्बे पूरे आसपास के सारे लोग आए, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइट. आई होप परफॉर्मेंस सबको पसंद आया एंड सब लोग इन्जॉय करें आज की रात को. तू ऐसे जुदा हुआ मैं रात तू सुबह हुआ, तुझ पे मैं मरता रहा, तुझे याद मैं करता रहा. रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे. रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे. थैंक यू वेरी मच. Just do one more picture. 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 Just
I am so excited, and this is the first time, you know, when we started with digital influencers, videos banana shuru kiye the, and it really became a trend in 2019. And in 2020, we actually have a digital influencers fest, you know, epic fam jam 2020. So I think hats off to Kyuki for getting such a brilliant idea of, you know, organizing a festival where you get all the digital influencers together for all the fans. So I think this is a big and a proud moment looking at the response here. So very excited, I'm going to be performing tonight and performing on all my favorite songs, all your favorite songs, Tere Bin Ki Mein, Nazar Na Lag Jaye, Fruity Lag Diye, and so happy to be a part with everyone, Team 07, Teen Tigada, Aviz Nagma, and Avneet and Siddharth, Jannat, we all have worked the entire year, or aaj sab hum apne apne gaano pe perform kar rahe hain, so it's a proud moment for all of us. I love all of them. I didn't want to say that, you know, ye mera favorite hai, but I love all of them, and I think all people also love all of them. So tonight the epic is going to be Fruity Lag Diye, celebrating 70 million viewers. So excited to perform on.
बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। फर्स्ट टाइम इंडिया में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, जो कि इन्फ्लुएंसर्स लोग का इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है, वो भी क्यूकी और पेटीएम इनसाइडर मिलके कोलैबोरेट करके इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और इतना बड़ा स्टेज है, इतने सारे लोग आए, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। और सब जन परफॉर्म कर रहे हैं, और सब लोग का जॉनर भी ऐसा है जो अभी तक का लोग देखे नहीं। फर्स्ट टाइम डांस कर रहा हूँ, वो भी इतने बड़े स्टेज पे, सबसे ज्यादा तो हंसते हैं, अंदर से डर भी लग रहा है कि हम लोग तीनों को तो इन लोग दोनों का ही देखने का डांस ये लोग कभी किए नहीं। बहुत सारी चीजें भी हो रही है, जैसे फैन जोन है, सुपर फैन जोन है, एपिक आफ्टर पार्टी भी है, वो प्राइवेट पार्टी होने वाली है, तो बहुत मजा आने वाली है। जैसे अभी हम लोग शूट किए, सुबह से हम लोग शूट ही कर रहे थे फैंस लोग के साथ में, तो सुपर फैन जोन का था, तो उसमें भी अलग अलग कॉन्टेंट थे, कोई जिम वाला बंदा है, तो कोई बाइक राइडर है, कोई सुपर फैन में है, तो बहुत मजा आया सुबह से। बहुत ज्यादा अभी तो सब बहुत अच्छा फील हो रहा है, और सबसे ज्यादा अभी खुशी इस बात की है कि अभी हम लोग का परफॉर्मेंस होने वाला है, जिसके लिए हम लोग 3 दिन से प्रैक्टिस भी कर रहे थे। हालत खराब हो गई, हालत खराब हो गई है, कुछ खाए पे नहीं है, 2 दिन से सोए नहीं है, मगर हम लोग अपना बेस्ट देंगे, बेस्ट देंगे जरूर, आग लगा देंगे। तो वो अभी नहीं बता सकते, सरप्राइज है, वो सरप्राइज है, अगर मैं पहले बता दूंगा तो वो मजा नहीं आएगी, अभी बता देंगे मजा नहीं आएगा। तो सबसे हटके है इस बार वाला, और सबसे अच्छा लगेगा, और सबसे धमाकेदार है, सारी चीजें परफेक्ट है, और फील है, फील, और फील ऐसा है कि पूरी पब्लिक झूमेगी, मस्ती है, पूरी पब्लिक झूमेगी। ओके सो फैजो, आपने तो यू नो काफी सारे अवार्ड फंक्शन अटेंड किए हैं इससे पहले, बट कितना अलग है ये आपके लिए? ये बहुत अलग है और बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अभी तक का जियो गार्डन में मैंने ऐसा इवेंट देखा नहीं हूँ जैसे एपिक फैम जैम हमारी कंपनी कर रही है, क्योंकि डिजिटल मीडिया, तो बहुत मजा आने वाली है, और सबसे अलग ही होने वाला है ये इवेंट अब तक का, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देख रहे हैं बिग बॉस भी, मगर अभी आजकल कुछ 1-1.5 हफ्ता हो गया नहीं देख पा रहे हैं, और हमने सुना है कि उसमें आसिम एक बंदा है, वो बहुत अच्छा खेल रहा है, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से ही है जैसे हम लोग हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा ग्रो कर रहा है उसमें, तो ऐसी सपोर्ट रहेगा उसको हमारी तरफ से भी, इंशाल्लाह जीतेगा वो। मेरा भी फेवरेट आसिम ही है, मैं इससे पहले फैज के सॉन्ग लॉन्च में भी मैं बोला था, आसिम और शहनाज की बात करने का जो बात करती है वो बहुत अच्छा है, डायलॉग वायरल था ना, अच्छा सबको खींचती है अपने तरह, मैं भी टिकटॉक पर मैं वीडियो बनाया था, इतनी सुंदर लड़की भी पॉटी करती है। अगर जिसका बिग बॉस में नेचर खुला होता है और जो खुले मिजाज का होता है ना, वही होता है जो रियल होता है, तो हम लोग ने उसको आसिम में देखे उस चीज़ को, उसका एकदम खुला मिजाज है, और वो जैसा खेलता है ऐसा लगता नहीं है कि कुछ स्क्रिप्टेड है, तो बहुत सही खेल रहा है वो। स्क्रिप्टेड तो रहता नहीं है वैसे, कैप्टन रियलिटी, क्योंकि मैं भी कर चुका हूँ, स्क्रिप्टेड मतलब वहाँ पे हवा उसका। अदनान बताएगा इस बारे में, इसके बारे में उसके लिए मैं गया था प्रोटेस्ट के लिए, लो प्रभु ऐसी सपोर्ट करते रहिए, बस आप लोग के सपोर्ट और प्यार से आज हम लोग यहाँ है, इंशाल्लाह हम लोग आप लोग को ऐसी अच्छी चीजें दिखाते रहेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, लव यू ऑल।
Hi, this is Gajendra Verma, and this I'm really glad to be at Epic Fam Jam, and it's a great initiative by QKey, and I'm a part of this team, and you know, feeling lovely and excited for the performance. So many people have come, so yeah, so hope to have you on the stage side. See you guys. मैं जो स्टाइल करता हूँ, मैं जो स्टाइल की वजह से फेमस हूँ, लिरिकल फील, वो स्टाइल मैंने कर चुका हूँ ऑलरेडी. उसके बाद भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें की है मैंने, लाइक डांस के साथ में घोड़े पे चल रहा हूँ, घोड़े पे से उतर कर मैं कार में बैठ रहा हूँ, कार में से लाइक उतर के मैं चाबी फेंक के बोल रहा हूँ कुत्ता पार कर दे, वैसा कुछ थीम था, वो बहुत मज़ा आया. मैंने भी गया स्टेज पर गया और डांस थोड़ा किया, सलमान का फैन, और मैं अपनी बॉडी दिखाया और रैम एक शो है रैम किया बस इनफ, और उन लोग से उनका हाल पूछा, थोड़ा नॉलेज दिया, उनसे नॉलेज दिया. ओके जी, साथ में अंदर जाके फैंस से भी मिलने वाले हैं आप लोग, तो व्हाट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग अंदर का, मतलब किस तरीके का रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स तो अच्छा ही होगा ये तो पता है, और मुझे यहाँ पे मुंबई से बहुत लोगों ने हमें नहीं देखा, तो उन्हें भी चांस मिले गाने देखने का, फेस टू फेस, मैं यार कहीं भी मतलब जो भी मेरे जाने वाले यार वो इतना प्यार देते ना कि मुझे तीन तीन चार चार घंटे रूम में बंद किया हूँ. मैं ऐसे इवेंट में गया हूँ ना कि जहाँ पे रूम में बंद कर दिया, स्टेज पे भी पहुँचा हूँ पाँच मिनट के लिए, वहाँ से निकल गया हूँ. मतलब मैं जाता हूँ उन्हीं के लिए, बट वो इतना प्यार देते थे ना कि वो हद से ज़्यादा हो जाता है, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता. लास्ट में दूल्हे गया था, तो दूल्हे में तो ऐसा हो गया था कि उन लोगों को सिर्फ एक फ़ोटो लेना था मेरे साथ, उसके लिए उन लोगों ने जो म्यूज़ियम था जहाँ पे मेरा शो रखा था उसको तोड़ फोड़ कर दिए, पुलिस आ गई वहाँ पे, मतलब लाइक कमांडो आ गए. यार मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरे लिए हो रहा है, मतलब सोच रहा था कि इतना सब मेरे लिए हो रहा है. तो मैं बस वही कहना चाहूँगा, यहाँ तो उतना मतलब होगा नहीं, अगर होता भी है तो बहुत सिक्योरिटी है वहाँ पे, इतनी नहीं थी, बट यहाँ पे है, तो बहुत सारे मज़े किए हम लोगों ने, और भी करने वाले, तो फैन बी रेडी, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे बस यही बताया कि तुम मुझे प्यार देने वाले हो, तो बहुत प्यार देते हो और यहाँ भी प्यार ही मिलना है, तो बहुत मज़े करेंगे हम. थैंक यू सो मच फॉर लविंग सपोर्टिंग, यार इतना प्यार देते हो, वन साइड बेबी. आप लोगों के प्यार की जरूरत है, और मतलब जितना प्यार तुम अपनी गर्लफ्रेंड से करते हो यार, उतना उतने में से 1% हमको दे दो, क्योंकि आई नो यार आप अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने बॉयफ्रेंड से इतना प्यार करते हो, तो उसमें से 1% मांगेंगे हम, क्योंकि वो 1% बहुत हाई लेवल तक हमको और सपोर्ट लेके जाएगा, तो बस वही कहना चाहेंगे हम लोगों. थैंक यू सो मच. टीचर के बाद हम आते हैं इन्फ्लुएंसर्स, जो आपको सिखाएंगे कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना चाहिए आपको, इवन ग्रूमिंग कुछ हो गया, भाई की बॉडी बनाते हैं, डांसिंग सिखाते हैं, स्टाइलिंग सिखाते हो, तो आप लोगों को अच्छा है, ऐसे हम एक टीचर ही आप लोगों के लिए, आप लोग प्यार और रिस्पेक्ट दें, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी वजह से हम बहुत कुछ करना चाहते हैं. मतलब शाहरुख खान का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उनका डायलॉग बोलूँगा जो मैं, अगर मेरे फैन है तो मैं हूँ, अगर मेरे फैन नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं है, तो वही चीज़ मेरे साथ भी है, मैं अपने फैन से इतना प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो बस वही कहेंगे कि ऐसे ही प्यार करते रहो हमेशा, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे आपके सपोर्ट से. थैंक यू सो मच.